हेलो, दिस इज मनोज कुमारी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल गिवन है, गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एंड एन द एनथ टर्म ऑफ एन एपी। तो देखो हमें क्या करना है, ब्लैंक्स फिल करना है। तो ये टेबल थी, तो इसमें मैंने फर्स्ट सेकंड पार्ट इस तरह से अलग अलग राइट कर लिए हैं ताकि ये आसानी से समझ में आ जाए। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 7। डी की वैल्यू 3। एन की वैल्यू 8। ए एन निकालना है, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे ए एन का फॉर्मूला। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है, एन टर्म ऑफ एन एपी होता है। इसमें वैल्यू पुट करो, देखो ए एन तो हमें निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है बोलो, 7। एन कितना है, 8। तो 8 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 प्लस, और ये 8 में से 1 गया, कितना बच गया, 7, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 3। तो आ जाएगा 7 प्लस 7, 3 जा कितना हो जाएगा, 21 और 7 कितने आ जाएंगे, 28। तो एन एस टर्म ऑफ एन एपी कितनी आ जाएगी, 28। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 28। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। लेट अस स्टार्ट पार्ट सेकेंड। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, ए इज इक्वल टू माइनस 18। डी की वैल्यू हमें निकालनी, ब्लैंक्स दे रखा है। एन इज इक्वल टू 10। ए एन इज इक्वल टू 0। तो देखो हमने अल्टीमेट क्या करना है कि ए एन का फॉर्मूला पुट करना है। ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसकी वैल्यू होती है, ए एन की वैल्यू होती है। इसको पुट करो, देखो ए एन की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 18 प्लस एन की वैल्यू कितनी बोलो, 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो डी रख दिया हमने एज इट इज। देखो 18 को इधर ले आओ, तो माइनस का 18 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 1 बोलो कितना हुआ, 9 एगा 9 डी। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमें कर दें कि डी इज इक्वल टू 18 अपॉन में 9। 9 वन जा 9, 9 टू जा 18। तो डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट में क्या है, ए हमें फाइंड करना है, ब्लैंक्स है। डी इज इक्वल टू कितना है, माइनस 3। एन की वैल्यू 18 है, ए एन कितना है, माइनस 5। तो देखो ए एन को इसके फॉर्मूले के इक्वल पुट करते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसकी वैल्यू होती है, ए एन की वैल्यू होती है। अब देखो ए एन कितना है, माइनस 5 इज इक्वल टू ए हमें निकालना है। एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है, 18 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास बोलो, 3। ब्रेकिट में लिख लिया है, तो माइनस 5 इज इक्वल टू ए। देखो 18 में से 1 गया, 17 बचेगा, और 17 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लिख देते पहले ब्रेकेट में, ये 17 बचा और ये कितना है, माइनस 3। तो जगह माइनस 5 इज इक्वल टू ए, माइनस में कितना आएगा, 51। इसको इधर ले आओ, देखो तो ये क्या आएगा, माइनस 5 प्लस में 51 इज इक्वल टू ए। तो प्लस के ज़्यादा कितने, 11 इज 5 या 6, 46 इज इक्वल टू ए। तो ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 46। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या, ए की वैल्यू कितनी है, 18.9। डी की वैल्यू कितनी है, 2.5, और ए एन है 3.6, और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सब में हमें क्या पुट करना है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बोलो कितना है, 3.6। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 18.9 प्लस एन माइनस 1, एन हमें नहीं पता, और डी की वैल्यू कितनी है, 2.5। अब देखो इसको इधर ले आओ, ये 3.6 प्लस 18.9। अब 3.6 में 18.9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ये कितना आगा, 22.5 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22.5 ही अभी ऐड किया था, अच्छा जी, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। तो इसको इधर ले आओ, देखो 22.5 अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस 1। पॉइंट के बाद इसमें भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद इसमें भी एक डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट तो हो गया कट। तो 25 फंजा
25 और 25 9 जा 225 होता है। तो अगर n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, हमें निकालनी n की वैल्यू, तो 9 प्लस में 1, तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 10 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, तो नंबर ऑफ टर्म आ गई इसमें 10, ये हमारा क्या आ गया आंसर। लेट अस स्टार्ट पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ में क्या है, a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 105 और an हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सोल्व करते हैं इसको। an को इसके फॉर्मूले के इक्वल पुट करो, क्या होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू बोलो कितनी है, हमें निकालनी है पता ही नहीं। a की वैल्यू कितनी है, 3.5, n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी है, 105 है, तो इसको लिख देते हैं 105 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है बोलो, 0, तो an इज इक्वल टू 3.5 और किसी भी, ये बच गया 104 बच गए, इसको ऐसे कर लेते हैं 104, 105 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 104 और ये 0। जब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, तो ये तो क्या आ गया 0, ये कितना है 3.5, तो an इज इक्वल टू कितना है 3.5 प्लस 0, तो इसमें 0 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, तो an की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 3.5। तो इसी पार्ट के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है।